Hey, hi everyone, this is Mayank Kotaria and today we are going to revise about the first unit of the first chapter, that is National Income Accounting. Total 6 चीज़ें हैं इस चैप्टर में. हमने पुराने लेक्चर्स में सारी चीज़ें डिटेल में देखी है, अब वक्त आ गया है रिवाइज करने का. ध्यान देंगे सिर्फ 6 चीज़ें हैं. सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद में आप देखेंगे यूजफुलनेस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, कि भैया नेशनल इनकम का पता लगाने का फ़ायदा क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल इनकम का, पता हमने क्यों लगाना चाहिए, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हमने क्यों करना चाहिए. तीसरा टॉपिक है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आप यूज़ करने वाले हो नेशनल इनकम में. चौथा टॉपिक है आपका कि आपके नेशनल इनकम मेजर करने के तरीके क्या क्या होते हैं. पांचवा टॉपिक है आपका द सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स ऑफ इंडिया, कैसे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग की जाती है और कैसे क्या क्या लेवल पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करके फिर इकट्ठा किया जाता है, सम किया जाता है नेशनल लेवल पे. एंड द लास्ट टॉपिक इज नथिंग बट द लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ द नेशनल इनकम कंप्यूटेशन. पहला टॉपिक देखते हैं इंट्रोडक्शन. जब भी आप नेशनल इकोनॉमी की बात करते हो तब आपको 6 से 7 चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में जानना जरूरी होता है, जिनके बारे में आप जानने में इंटरेस्टेड रहते हो. इसका न्यूमोनिक हमने बनाया था, दैट इज नथिंग बट द कॉपीज विद डबल आई. ओके, सी फॉर वॉट कंजम्पशन, ओ फॉर आउटपुट, पी फॉर प्राइसेस, आई फॉर इनकम, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एस फॉर सेविंग. ये चीज़ थी. उसके बाद में हमने डेफिनेशन देखी थी. डेफिनेशन क्या बोलती है नेशनल इनकम की? नेशनल इनकम की डेफिनेशन बोलती है कि भैया नेट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले नेट वैल्यू ऑफ ऑल द इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. सबसे पहले नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है कि जितना भी आपने प्रोड्यूस किया माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, उसमें से माइनस कर दो, ठीक है. उसके बाद में वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमिक का मतलब ऐसा होता है कि जो मार्केट में बेचा जाता है, जिसकी मार्केट वैल्यू होती है. घर में भी गुड्स एंड सर्विसेज मम्मी अपने लिए बनाती है, सर्विस देती है, मम्मी अपने लिए रोटी बनाती है, लेकिन वो नॉन इकोनॉमिक है, वो कंसिडर नहीं की जाती. उसके बाद में प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में आना चाहिए. जैसे इंडिया की GDP निकालोगे आप तो इंडिया की टेरिटरी में आने वाले या प्रोड्यूस होने वाले सारे के सारे नेट फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कंसिडर किए जाएंगे विद इन अ पर्टिकुलर ईयर. अगर आप GDP 2018 की निकालोगे तो 2018 का प्रोडक्शन आपको कंसिडर करना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी नेशनल इनकम की डेफिनेशन के लिए. सो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने ये चीज़ देखी थी. सेकंड टॉपिक है हमारा यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट. अच्छा, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में 7 चीज़ें आपने देखी थी. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 7 चीज़ें कौन सी थी कॉपीज़ में? सी फॉर कंजम्पशन, ओ फॉर आउटपुट, पी फॉर प्राइसेस, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इनकम एंड द लास्ट वन इज एस फॉर सॉरी आई ई था एम्प्लॉयमेंट, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड द लास्ट वन इज एस फॉर सेविंग्स. 7 चीज़ें देखी. यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स में आपने कितनी चीज़ें देखी? 8 चीज़ें देखी कि भैया नेशनल इनकम एस्टिमेट करके मेरे को मिलता क्या है, फ़ायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. पहली चीज़, नेशनल इनकम जब आप एस्टिमेट करते हो तो सबसे पहली चीज़ आती है कि लेवल ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का लेवल आपको ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कहाँ कर रही है, कितनी ग्रो कर रही है. जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम होती है उतने ज़्यादा हम अच्छा मानते हैं, ठीक है. सेकंड आइटम है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आपको ये बताता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड किसकी ज़्यादा होगी आने वाले टाइम में और किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए. मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर अमीरों की इनकम ज़्यादा है और गरीबों की इनकम कम से कम होती जा रही है तो अमीरों से रिलेटेड प्रोडक्ट जो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो गया कि भैया इनके पास इनकम ज़्यादा जा रही है, इनके पास इनकम कम जा रही है, ठीक है. तो अब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आपको पता चल गया तो क्या करेगी कंपनीज, क्या करेगी पता है क्या? अमीरों के लिए जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा देगी, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है तो उनका खर्चा भी ज़्यादा होगा तो उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगे. अब आप गरीबों वाले प्रोडक्ट्स बनाओगे, मतलब गरीबों के लिए जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो अगर आप उसकी डिमांड, उसका प्रोडक्शन बढ़ा दोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, क्योंकि उनकी इनकम ही उतनी नहीं हो रही है. तो नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, जब आप ये पता लगाते हो तब आपको पता चलता है कि चलो ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हम किस गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं. थर्ड आइटम है इकोनॉमिक वेलफेयर. आपकी नेशनल इनकम जब आप पता लगाते हो तब आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली इकॉनमी और सोसाइटी का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है. चौथा आइटम है नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू द इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स. ऑटोमोबाइल सेक्टर की इनकम, ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना नेशनल इनकम में, IT का कंट्रीब्यूशन कितना नेशनल इनकम में, फिर आप कंज्यूमर गुड्स का कंट्रीब्यूशन कितना नेशनल इनकम में. जब हर अलग अलग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पता चलता है ना नेशनल इनकम में, तब गवर्नमेंट को भी आसानी होती है. अगर कोई सेक्टर बहुत ही नीचे है या उनका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है तो उस सेक्टर में गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसीज लेके आएगी, फ्रेम्स लेके आएगी, सब्सिडी
लेके आएगी ताकि उस सेक्टर को बढ़ावा मिले. आ रही बात समझ में? और ये भी हमको पता चलता है कि चलो ठीक है, अगर इस सेक्टर से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो इस सेक्टर में ज़्यादा चांसेस है जॉब के, अपॉर्चुनिटी के आगे. ये चौथी चीज़ थी. पाँचवीं चीज़ है नेशनल इनकम स्टेटिस्टिक्स. स्टेटिस्टिक्स से आप पता लगाते हो कि भैया आपने जो पुराने साल में, जैसे स्टेटिस्टिक्स है नहीं कि क्या पूरा 2018 खत्म हो गया था, 2018 के एंड में आपके पास में कई सारी फिगर्स होगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड लॉट्स ऑफ फिगर्स. ये फिगर्स यानी कि स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं, इनकी मदद से आप पता लगा सकते हो कि आपने जो डिसीजन लिए थे, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए थे एक साल पहले, जो पॉलिसीज लेके आई थी गवर्नमेंट, वो कितनी अच्छे से काम कर रही है, और आगे के लिए भी आपको मदद मिलती है. सिर्फ इतना ही नहीं, चार पॉइंट हो गए, पांच पॉइंट हो गए. पांच के बाद छठवा पॉइंट है आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ द नेशनल इनकम. जब हम ये पता लगाते हैं तो हमको पता चलता है कि यार यूएस की नेशनल, यूएस की जीडीपी इतनी, हमारी जीडीपी इतनी, यूएस इतनी बड़ी इकोनॉमी, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी, उसके ऊपर फिर फ्रांस हो गया, और सॉरी फ्रांस तो अभी नीचे चला गया, उसके ऊपर में भी देखो जैसे चाइना की हो गई, यूके हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ की जब आप इन इकोनॉमी को, नेशनल इनकम को अपनी नेशनल इनकम से कंपेयर करते हो, तब आपको पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है. सो कंपेयर करने में, इंटरनेशनल कंपैरिजन कंपेयर करने में आपको मदद मिलती है. अब क्या होता है, जब आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी रहती है, सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी जब आप बन जाते हो, तब आप डोमिनेंट सिचुएशन में आ जाते हो कि बाकी कंट्रीज़ को आप डोमिनेट कर सकते हो, बाकी कंट्रीज से आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ बेहतर जा रहे हो, ये आपको पता चल जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नथिंग बट द पॉलिसीज रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन. नेशनल इनकम जब आप एस्टिमेट करते हो तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है आगे की पॉलिसीज फ्रेम करने में, ग्रोथ से रिलेटेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. जब आपके पास में पुराना डेटा होता है इकोनॉमी का कि भैया पिछले साल की नेशनल इनकम कितनी थी, उसके पिछले साल की नेशनल इनकम कितनी थी, तो आगे की इनकम एस्टिमेट करने के लिए, स्टार्टिंग में ही आगे की इनकम एस्टिमेट करने के लिए आपको एक अच्छा खासा डेटा मिल जाता है. तो ये सारे आठ पॉइंट थे, सिग्निफिकेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स. अब मूव ऑन करते हैं थर्ड टॉपिक पे, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम. इसमें हमने 11 कॉन्सेप्ट्स देखे थे, याद होगा आपको तो, ठीक है. 11 कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस से. जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, इसी की हमने डेफिनेशन देखी थी. अब जीडीपी जो आप कैलकुलेट करते हो एट मार्केट प्राइसेस सबसे पहले आती है, ठीक है. उसके बाद अब ध्यान देना, मैं आपको ये वाला पार्ट समझा देता हूँ. इसमें तीन चार चीज़ें होती है. जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस आती है. जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये चार चीज़ें हैं. जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब मैं आपको सीधी सी सिंपल सी चीज़ बताता हूँ. ग्रॉस में से आप ही रिवाइज करो, आपने तो इतनी बार अपन ने पढ़ लिया वो चीज़ में, अब याद हो गया होगा आपको. ग्रॉस से नेट में ट्रांसफर होते हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं. फिर डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, और मार्केट प्राइसेस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट होने के लिए आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हो. सो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये चार चीज़ें मार्केट प्राइस पे, और चार कॉन्सेप्ट इसी के फैक्टर कॉस्ट पे, तो टोटल मिला के आठ हो गए. इसके बाद तीन हमने और देखे थे, पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि पर इंडिविजुअल इनकम कितनी हो, हर एक इंडिविजुअल की उस कंट्री में इनकम कितनी होती है. सो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कर दो, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कर दोगे तो पर कैपिटा इनकम पता चल गई. उसके बाद में हमने पर्सनल इनकम देखा था. पर्सनल इनकम इज़ नथिंग बट जो भी हमारी मेहनत करके हम इनकम कमाते हैं प्लस दूसरे तरीके से जो हमको इनकम रिसीव होती है वो, ये टोटल इनकम, दिस इज पर्सनल इनकम. इस पर्सनल इनकम में से जब आप पर्सनल टैक्सेस माइनस कर देते हो तो आपके पास में क्या बचता है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम. सो आठ कॉन्सेप्ट ये हो गए. उसके बाद तीन कॉन्सेप्ट बचे थे, पर कैपिटा, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम. सो ये 11 कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट होगा इसी में. फिर आते हैं चौथे पार्ट पे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया के तीन मेथड्स हमने देखी थी. तीन मेथड्स कौन से थी? एक थी प्रोडक्ट मेथड. अच्छा, जितनी भी चीज़ें होती है पूरे पूरे पूरी प्रोसीजर को आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो. जैसे कंपनी क्या करती है, पहले भी कोई भी फैक्ट्री या इंडिविजुअल एंटिटी है, वो पहले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है. उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद में उस गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा जाता है तो इनकम होती है. फिर वो जो हमारे पास इनकम आती है हम उसका कहीं खर्चा करते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे या तो पर्सनल खर्चा करेंगे, और माल खरीद के लाऊंगा या तो फिर पर्सनल खर्चा करूंगा. मैं घूमने जा रहा हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, मैं पिक्चर देखने जा रहा हूं, मैं कुछ खा रहा हूं रेस्टोरेंट में जाके एंड ऑल दैट. और ये प्रोसीजर शुरू रहती है. सो सबसे पहली मेथड है आपकी प्रोडक्शन प्रोडक्ट मेथड, दूसरी है इनकम मेथड एंड तीसरी है आपकी एक्सपेंडिचर मेथड. ये तीन मेथड है नेशनल इनकम को अगर आपको मेजर करना है तो. सबसे पहली मेथड देखते हैं, प्रोडक्ट मेथड. अगर आपको ये डायग्राम याद होगी तो आपको याद होगा कि हमने ये लेवल पे जाके, इतने छोटे लेवल पे जाके हमने पूरी जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट की थी.
जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट की थी। ये जो लाखरी का लेवल है, ये जितने भी छोटे 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 आखिरी लेवल पे दिख रहा है, ये और कुछ नहीं प्रोडक्शन यूनिट्स है। देखो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में आप तीन सेक्टर में डिवाइड कर दोगे इकोनॉमी को, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्टर में भी आप अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर डिवाइड कर दोगे, सब सेक्टर्स हो गई है, सब सेक्टर्स, दिस इज सब सेक्टर्स, ठीक है। अब ये सारे सब सेक्टर्स डिवाइड हो गए, अब सब सेक्टर्स को भी आप ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे, दिस इज नथिंग बट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स के अंदर में इंडिविजुअल कंपनीज आएगी, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट। ये फाइनल जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है इसकी जीडीपी निकालोगे, इन सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगी सब ग्रुप या ग्रुप्स की जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, फिर इनकी टोटल करोगे तो आपको मिलेगा सब सेक्टर की जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, इनकी टोटल करोगे तो आपको मिलेगा सेक्टर की जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, और सारे सेक्टर की टोटल आप करोगे तो आपको मिलेगा इकोनॉमी की जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है। दिस इज द नेशनल इनकम, सो आपको इकोनॉमी की जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस मिल गया। अब इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या आएगा, किसी में से में भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट होता है, तो ये आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, ठीक है। और उस डेप्रिसिएशन और आपने और क्या माइनस किया, अच्छा ऐड कर दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जैसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे, ये डेप्रिसिएशन माइनस किया, और इसमें अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये कर दोगे तो ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, और इसमें से भी अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपका आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो ध्यान दे रहे हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नहीं सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें नेट फैक्टर इनकम प्लस अब्रॉड ऐड करोगे तो आएगा आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तीनों मार्केट प्राइस पे चल रहे हैं। एंड द लास्ट फैक्टर, उसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर दो तो आपका आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो आप ऐसा से दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट मेथड। अच्छा प्रोडक्ट मेथड पे क्या होता है, जितना भी आपने कंपनी ने प्रोडक्शन किया है उन सबको आप ऐड करते हो, प्रोडक्शन को, सेल्स को नहीं। इनकम मेथड की बात करते हैं, इनकम मेथड में हमने तीन चार हिस्सों में डिवाइड किया था कि जितना भी कंपनी में प्रोडक्शन होता है उससे बेच उस वो जो प्रोडक्शन होता है वो सारे लोगों में बांटा जाता है, उससे जितनी भी इनकम होती है वो सारे लोगों में बांटा जाता है एज इन टर्म्स ऑफ सैलरी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड देन प्रॉफिट। सैलरी यानी कि जो भी सैलरी आपको मिलती है, रेंट यानी कि आपका हो गया किराया, वेजेस यानी कि मजदूरी, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, प्रॉफिट यानी कि आपका फ़ायदा। सो हमने ये डेफिनेशन देखी थी उसकी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज यानी कि सैलरी, उसके बाद रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है। एक पार्ट और रहता है जिसमें आप किसी की भी इनकम का लेबर और कैपिटल पार्ट डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है, उसको हमने अलग से सेक्टर बनाया था, एक अलग से एरिया बनाया था, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, इनका लेबर वाला पार्ट कितना और कैपिटल वाला पार्ट कितना ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप मिक्सड इनकम वाला पार्ट डाल देते हो और इसी में सब कुछ डाल देते हो। एंड उसके बाद एक और चीज़ है, बस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हमने प्रोडक्ट मेथड में भी ऐड की थी, हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे, दिस इज नथिंग बट द इनकम मेथड। और तीसरी मेथड जो हमने देखी थी वो थी एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या देखा था कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। सर हमने जो अभी तक दो मेथड देखी इससे क्या कैलकुलेट होता है, इससे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हमने देखा था नेशनल इनकम में हमने दो तीन चीजें देखनी है बस, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे पहला पार्ट, इसके दो हिस्से थे अगर आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन दोनों का टोटल ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। उसके बाद आप उसमें क्या ऐड करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल वाला पार्ट जो होता है, याद है आपको अगर आपने प्राइवेट वाला पार्ट देखा होगा उसमें हमने लैंड, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट था वो एक्सक्लूड किया था, क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि ये ऑलरेडी यहाँ पे कवर होता है। सो ऐसे ही जब कैपिटल चीज़ें आप लेते हो वो वाला पार्ट होता, कैपिटल वाला जो खर्चा होता है वो इसमें कवर होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट बोले तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसी को अगर मैं फॉर्मूले के टर्म में अगर लिखूं तो वो आपका हो गया सी प्लस वाई प्लस, सॉरी आप उसको ले लो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सिंपल एज इट इज। सो ये वाला पार्ट हो गया आपकी
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो फोर्थ टॉपिक था। फोर्थ में तीन मेथड थी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेथड हो गई, उसके बाद में इनकम मेथड और देन एक्सपेंडिचर मेथड। पांचवे टाइप की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स ऑफ इंडिया। सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स ऑफ इंडिया में हमने सात चीज़ें देखी थी, ठीक है, कोई पार्ट नहीं है, कोई उसके सब पार्ट्स नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन सात सेंटेंसेस है जो कि आपको लिखने हैं, ध्यान देना। पहला सेंटेंस था रीजन से रिलेटेड, उसमें हम बताते हैं कि नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होती है रीजन वाइज कैलकुलेट होती है। उसी पार्ट को हमने दूसरे में और स्पेसिफिक बनाया कि हमारे रीजन कैसे कैसे होते हैं, नेशन होता है, नेशन के अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो स्टेट्स वाइज इनकम कैलकुलेट होती है, हर स्टेट और हर टेरिटरी जो है, इंडियन टेरिटरी जो है, उसके हिसाब से नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी। ये दूसरा पॉइंट था, देखो मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पे। पहले हमने बोला था रीजनल, उसके बाद हमने बोला था कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से इनकम कैलकुलेट होती है। तीसरे पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली क्या इनकम होगी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन दैट स्टेट विद इन अ पीरियड विदाउट एनी डुप्लीकेशन, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हमने देखा था पर कैपिटा स्टेट इनकम, सबसे पहला रीजन, दूसरा स्टेट, तीसरा था आपका नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन, चौथा था पर कैपिटा स्टेट इनकम। अब पूरी स्टेट इनकम को डिवाइड बाय स्टेट की पॉपुलेशन कर दो, आपको आ जाएगी पर कैपिटा स्टेट इनकम। अब इसके बाद में सेंट्रल स्टेट और स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, पांचवा पॉइंट था आपका CSO का। ये सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हर स्टेट लेवल पे जिन जिनको जरूरत होगी, ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में जहां पे भी दिक्कतें जाती है हर स्टेट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर सिटी लेवल पे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन उनकी मदद करती है दो चीजों में, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में, जैसे मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं, और मेथोडोलॉजिकल मतलब फॉर्मूलेज एंड ऑल दैट समझाने में। सो CSO का पार्ट आ गया, और आखिरी के दो पार्ट रिलेटेड टू सप्रा रीजनल एक्टिविटीज़। अब क्या होता है ना, कई सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि रेलवेज ले लो, मुंबई से दिल्ली अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो वो जो रेलवे का किराया है वो महाराष्ट्र का है या दिल्ली का है, ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को सप्रा नेशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं जो कि स्टेट वाइज डिवाइड नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले सारी सप्रा नेशनल एक्टिविटीज़ को आप अलग कर लेते हो, ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था सिक्स्थ वाले में, ठीक है। अब क्या होता है, सारी सप्रा नेशनल एक्टिविटीज़ जो होती है, ये जो होती है, ये सारे की सारी सप्रा नेशनल नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपका सप्रा रीजनल इकोनॉमी से सप्रा रीजनल एक्टिविटीज़ जो होती है सारी की सारी आप कंबाइन कर लेते हो और कोई प्रॉपर बेसिस पे सब में वापस डिवाइड कर देते हो। तो ये वाला पॉइंट हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेवेंट इंडिकेटर्स हम अलोकेट कर देते हैं यही सारी इनकम। देखा, सबसे पहले रीजन, फिर स्टेट्स, उसके बाद में नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन, फिर पर कैपिटा स्टेट इनकम, ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या था आपका, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मदद करती है सबकी। छठवां पॉइंट था सप्रा रीजनल एक्टिविटीज़, और उसके बाद में अलोकेशन ऑफ दीस। ये सात पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स ऑफ इंडिया में। लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन। सबसे पहले लिमिटेशन की बात करते हैं। अच्छा, हमने इसमें कितना देखा, सात चीज़ें देखी, राइट। अच्छा, लिमिटेशन कितने हैं, छः, और चैलेंजेस कितने हैं, बारह। ये चीज़ें अब आपको याद रखने की। अब बारह के बारह चैलेंजेस लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर आप पाँच से छः भी लिखते हो तो भी इनफ है, डिस्कस हम सारे के सारे कर लेंगे, लेकिन लिमिटेशन आती है तो छः के छः लिखना, क्योंकि सिलेबस में सात आठ है, मैंने आपको प्रॉपरली बाइफर्केट करके छः ही दिया है, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन कि नेशनल इनकम जब हम कंप्यूट करते हैं, हमने देखा ना तीन मेथड होती है नेशनल इनकम कंप्यूट करने की, जब उस मेथड में हम कंप्यूट करने जाएंगे तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आएगी, लिमिटेशंस क्या क्या आएगी। सबसे पहले पर कैपिटा इनकम जो होती है वो प्रॉपर मेजर नहीं है, इट इज़ एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ वेलफेयर। किसी की भी वेलफेयर के बारे में बताना कि भैया कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, तो पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट गुड, पहली चीज। दूसरा, हिडन प्रोडक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। कई सारे प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जो कि हिडन होते हैं, जो कि नहीं बाहर आते, गवर्नमेंट के सामने नहीं आते, सो दैट प्रोडक्शन, हिडन प्रोडक्शन वो है, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं हो पाता, तो नेशनल इनकम गलत आती है, दैट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन। थर्ड इज़ द नॉन प्रोडक्टिव एंड नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द इंडस्ट्री बोलो या ऑफ द कंट्री बोलो, जो कि लोगों की वेलबींग के लिए काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमने सबने मिलकर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट किया और वहाँ पे चार लोग बैठाए हुए, चार लोग सिर्फ लोगों की मदद करते हैं और उनकी सैलरी हम पे करते हैं, तो वो जो सैलरी जा रही है वो क्या हो गई, वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, कुछ प्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है उस वजह से, सो वेलबींग के लिए यूज़ हो रहा है। सो दिस इज़ नॉन प्रोडक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स है, एक्चुअल मार्केट में कुछ नहीं बेचा जा रहा। द नेक्स्ट थिंग इज़ डिसयूटिलिटी ऑफ द लॉस ऑफ लेजर टाइम। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मेरे यहाँ पे एम्प्लॉई है 20,000 रुपये का,
8 घंटे काम करता है, अब 8 घंटे में से अगर उसने 2 घंटे वेस्ट भी किए होंगे तो भी मेरे को नहीं पता चलेगा, मैं तो उसको पूरी की पूरी 20,000 की सैलरी दूंगा। अब उससे क्या हो रहा है ना, वो 2 घंटे में आपको भी ये चीज़ पता है कि अगर वो इफेक्टिवली काम करता तो कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ सकता था रियल सेंस में, लेकिन मैं तो 20,000 की सैलरी लूंगा, 20,000 की सैलरी लूंगा नेशनल इनकम के कंपटीशन में, तो नेशनल इनकम के कंपटीशन ज़्यादा दिखेगा, उससे ये दिखेगा कि भाई ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है या इकोनॉमी अच्छी जा रही है, जबकि एक्चुअल में प्रोडक्शन कम हुआ है, ज़्यादा हो सकता था अगर वो 2 घंटे इफेक्टिवली काम करता था तो। उसके बाद में हमने देखा इकोनॉमिक बैड्स का मतलब ऐसा हो गया कि ऐसी चीज़ें जो कि एक्चुअल में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही, ठीक है, जैसे कि आपने लिया था यहाँ पे क्राइम, ट्रैफिक और पोल्यूशन, ये सब खराब चीज़ें, खराब चीज़ों को लड़ने के लिए बेसिकली जो खर्चा हो रहा है वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट हो जाता है, बट इट डजंट ऐड एनी वैल्यू। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग वर्स, खराब चीज़ें ना हो इससे बचने के लिए, ये तो खराब चीज़ें होने के बाद की, ये जो 5वां पॉइंट और 6वां पॉइंट है ये उल्टा है। 5वां पॉइंट जो है आपका क्राइम होने के बाद जो खर्चा हो रहा है वो, ट्रैफिक टूटने के बाद जो खर्चा हो रहा है, पोल्यूशन होने के बाद जो खर्चा हो रहा है वो, लेकिन ये जो 6वां पॉइंट है कि भैया क्राइम होने के पहले जो खर्चा करना पड़ता है, जैसे पुलिस ले लो, पुलिस क्या सेफ्टी के लिए काम करती है हर जगह पे, अब पुलिस वालों को जो सैलरी जाती है वो एक्चुअली एडिंग नो प्रोडक्शन टू द कंट्रीज इकोनॉमी, प्रोड्यूस क्या हो रहा है उससे, कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, पुलिस वाले कुछ काम करते हैं, मतलब काम तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है मेरी भी लिए उनके लिए, मेरी उनके लिए, बट एक्चुअल में देखो तो गुड्स एंड सर्विसेज में वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इकोनॉमी में काम आ रही, नहीं आ रही, बट ये एक लिमिटेशन है, हमको उन लोगों को रखना ही पड़ता है, गवर्नमेंट को मतलब पुलिस की हमको नीड है बिकॉज ऑफ द सेफ्टी, मतलब कुछ चीज़ें खराब ना हो, सिचुएशन वर्स ना हो, उन चीज़ों के लिए जो खर्चा हो रहा है दैट इज़ अ लिमिटेशन टू द नेशनल इनकम। जो सैलरी वैलरी उनकी सब की जाती है वो काउंट हो जाती है, लेकिन वो कोई एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होता, दिस इज़ व्हाट द लिमिटेशन। द नेक्स्ट थिंग इज द चैलेंजेस, चैलेंजेस आपने 12 देखे थे, एक एक करके चैलेंजेस हम वापस डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। एक तो एग्री डेफिनेशन, अच्छा मैं आपको सीधा सीधा ना उस पे ले जाता हूँ शॉर्ट फॉर्म पे, ताकि आपको याद आएगा थोड़ा थोड़ा। सबसे पहला पॉइंट था डेफिनेशन, क्योंकि नेशनल इनकम की कोई एग्रीड डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन बताई है, तो वो एक कन्फ्यूजन है, ठीक है, चैलेंज। सेकंड आइटम आपका डिस्टिंग्विश करना कि फाइनल गुड कौन सा और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा, क्योंकि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं कि फाइनल गुड्स को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भैया इसमें से इंटरमीडिएट गुड्स का पोर्शन कितना और फाइनल गुड्स का पोर्शन कितना, दैट बिकम्स अ चैलेंज टू यू वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। थर्ड थिंग इज द ट्रांसफर पेमेंट, जैसे पेंशन वगैरह आप देते हो तो उसमें भी इश्यूज आते हैं, तो उसको आप लिख सकते हो इश्यूज रिलेटेड टू द ट्रांसफर पेमेंट। नेक्स्ट इज फोर्थ आइटम इज द सर्विस रिलेटेड टू द ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि कार मैंने खरीदी तो उसका रिपेयरिंग का जो खर्चा आता है, जो मेंटेनेंस का खर्चा आता है, जैसे कि मैंने घर पर एसी लगाया, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गई, तो जब उनकी सर्विस आती है, ड्यूरेबल गुड्स यानी कि काफ़ी टाइम तक चलने वाले जो गुड्स होते हैं, और उनकी जब सर्विस की बात आती है तो वो सर्विस है वो प्रॉपरली काउंट नहीं हो पाती नेशनल इनकम में, तो वो पार्ट आ गया। नेक्स्ट थिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सॉरी दिस इज आई, यहाँ पे आई होना चाहिए। सो नेक्स्ट थिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना इनकम का इज अ बिग चैलेंज, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाती, लेकिन पूरी तरह से और अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, दैट इज़ व्हाट द मेन थिंग इज। उसके बाद में जब न्यू गुड्स आते हैं, न्यू गुड्स से रिलेटेड क्या पॉइंट था आपका कि भैया जब नए गुड्स आते हैं तो उसका वैल्यूएशन बिकम्स अ चैलेंजिंग पार्ट टू यू, कि भैया एग्जैक्टली क्या वैल्यू होनी चाहिए और वो जो कि सही वैल्यू नेशनल इनकम में जानी चाहिए। देन कम्स द गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज ऐसी होती है जिनका हर एक का वैल्यूएशन करना इज डिफिकल्ट। गवर्नमेंट सर्विसेज में आप जैसे अगर आप देखोगे तो रोड बन रहा है, या रोड बन रहा है तो उसके बाद में एक आध और एग्जांपल ले लो, जैसे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, या फिर बॉर्डर पे सोल्जर्स है, इन सब की सर्विसेज को प्रॉपरली वैल्यू करना इज़ द डिफिकल्ट टास्क। देन डेटा आपके पास में जो होता है चैलेंजिंग, इसमें चैलेंजिंग क्या है पता है, क्योंकि जो डेटा आपके पास में आया है हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से और हर सिटी से, वो डेटा पहली बात तो इनएडिक्वेट होता है, पूरा नहीं होता, उसके बाद में जो भी होता है वो रिलायबल नहीं होता, सो दैट इज़ अगेन अ चैलेंजिंग टास्क कि भैया नेशनल इनकम जो फाइनली कैलकुलेट होगी वो सही नहीं होगी। उसके बाद में नॉन मोनिटाइज सेक्टर, अब हमारी इंडस्ट्री क्या बोलती है कि भैया मोनिटाइज्ड वाली पार्ट ही नेशनल इनकम में आएगा, नॉन मोनिटाइज वाला पार्ट नेशनल इनकम में नहीं आएगा। मम्मी घर में जो रोटी बना के हमको दे रही है वो नॉन मोनिटाइज हो गया, मम्मी जो सर्विसेज दे रही है, मेरे को बुखार हो गया, मेरे सर पे ये लगा रही है, वो नॉन मोनिटाइज हो गया, ये सही बात थोड़ी है। अब नॉन मोनिटाइज में और क्या हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल देता, मैं पापा के साथ डिनर करने गया और वहाँ हमने डिनर करते करते कुछ ना प्लान डिस्कस किया, प्लान हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू द बिजनेस, एंड दैट इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू द इकोनॉमी बाद में जाके, राइट, बट वो नॉन मोनिटाइज कहलाएगा क्योंकि वो इकोनॉमिक नहीं था। सो दिस इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट कि भैया ये चीज़ें नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं आ पाती क्योंकि उसका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मिल पाता हमको कि क्या वैल्यू करें इस चीज़ की, सो वो नेशनल इनकम में नहीं आ पाती। अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि भैया नेशनल इनकम प्रॉपर नहीं दिखती आपकी जो भी फिगर आती है। नेक्स्ट थिंग इज द सेल्फ कंजम्पशन, अब आप
आपकी अगर किराना दुकान है, आप घर में बिस्किट, आप किराना दुकान में मान लो आटा लेके आए हैं, ठीक है, अब उस आटे में से कितना आटा आप बेचोगे, कितना आटा घर में ट्रांसफर हो जाएगा पता नहीं चलेगा। एक्चुअल लाइफ में ऐसा ही होता है। सो आके जाके निकाल के लेके चले गए, तो ये जब पता नहीं चलता तो ना एग्जैक्टली सेल्फ कंज्यूम कितना कर रहे हैं हम उस चीज़ को, वो नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन जो होता है वो हम नहीं नेशनल इनकम में कंसिडर करते, लेकिन जो माल हमने बेचा वो हम कंसिडर करते। दूसरा एग्जांपल ले लो, मैं गाड़ी चला के लेके आ रहा हूँ, घर से लेके ऑफिस तक आता हूँ। अब वो जो मैंने कार खरीदी 10 लाख रुपए की, मैं कभी ऑफिस के पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, कभी पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। अब पर्सनल पर्पज़ के लिए जो यूज़ किया वो तो नॉन मोनिटाइज वाला एरिया हो गया, तो वो अलग करना पड़ता है। लेकिन प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो वो नेशनल इनकम में मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, उसका कुछ ना कुछ तो हिस्सा आएगा। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करना इज द चैलेंजिंग टास्क, कि भैया मैंने आज गाड़ी 2 घंटे प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए चलाई, आज गाड़ी 2 घंटे पर्सनल पर्पज़ के लिए चलाई, ऐसे थोड़ी कोई लिख के रखता है। सो सेल्फ कंजम्पशन वाली पार्ट आ जाती है, एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। सेकंड थिंग इज इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, जिनको नॉलेज नहीं होता, और जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्शन होता है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो पाते, और जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो पाते कम इनकम जाती है गवर्नमेंट के पास में, और गवर्नमेंट भी नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेगी, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है इकोनॉमी की, वो कम होती है। सो दिस इज वन थिंग। बट कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है लेकिन वो इग्नोर करते हैं ताकि उनको टैक्सेस वगैरह बचाने होते हैं। सो इग्नोरेंस इज अनदर एरिया, कि नॉलेज है लेकिन इग्नोर कर दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। सो प्रोडक्शन जो है कई सारा ऐसा हो रहा है पूरे कंट्री में जो कि नेशनल इनकम में नहीं आ पाता। एंड द नेक्स्ट थिंग इज 12th वाला इज अ फिक्स कैपिटल वाला पार्ट, कि कई सारी चीजें जो फिक्स्ड है, मतलब कैपिटल पोर्शन उसका कितना और लेबर पोर्शन कितना, ये आप डिवाइड नहीं कर पाते। सो ऐसी चीजें हैं चैलेंजेस, 12 आपके हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल इनकम अकाउंटिंग, द एंटायर समरी ऑफ इट। इंट्रोडक्शन 7 चीजें, यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस 8 चीज़ें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने 11 देखे, उसके बाद में हमने मेजरमेंट 3 देखे, मेजरमेंट के बाद में हमने देखा द सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स ऑफ इंडिया, 7 सेंटेंसेस देखे थे, उसके बाद में लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज 6 एंड 12। सो 12 और 18 ऐसे ही मैंने नंबरिंग इसलिए की ताकि मेरे को याद रहता कि हाँ ठीक है कुछ चीज़ें छूट तो नहीं रही है, एंड दिस विल एड वैल्यू टू योर स्टडी पैटर्न ऑल्सो इफ यू आर गोइंग टू हेल्प सॉरी अडॉप्ट दिस मेथड इन योर सेल्फ। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ द फर्स्ट यूनिट, दैट इज नथिंग बट द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। From the next lecture, we are going to start with some question of the national income accounting, and then we are going to start with the next unit, which is nothing but the Keynesian theory of the national income. So stay connected. It is going to be exciting experience for you for the next chapter. Bye bye.